सबसे जरूरी क्या है जीवन में? श्रद्धा। इस श्रद्धा को जमाने के लिए ज्ञान थोड़ा तो चाहिए, थोड़ा तो चाहिए, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं होगा तो फिर तो एक इंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय तक के जीव सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? उनके पास मन नहीं है। और जब तक मन नहीं है तब तक श्रद्धा पैदा कैसे करोगे, किससे करोगे? हे उपादेय का ज्ञान कौन करवाएगा? इस सारे वस्तु की पहचान कौन करवाएगा? ज्ञान करवाएगा, मन करवाएगा। चार इंद्रिय तक को ज्ञान तो है मगर केवल खाने पीने तक का ज्ञान है। एक होता है कर्म फल चेतना, एक होती है कर्म चेतना, और एक होती है ज्ञान चेतना। चेतना मतलब आत्मा है ना। तो कर्म फल चेतना, केवल कर्म का फल भोग रहे हैं बस। क्या कर रहे? एक इंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय तक के जीव क्या कर रहे हैं? अरे बोलिए ना, केवल कर्मों का फल भोग रहे हैं। कर्म उन्हें किसी जिस गति में भेजता है तो चले जाते हैं, और वहाँ जैसा जीवन होता है जी लेते हैं, फिर आयु खत्म होती है तो अगली गति में चले जाते हैं। तो एक इंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय तक के जीव जो हैं कर्म फल चेतना में हैं। किस में हैं? कर्म फल चेतना में हैं। लेकिन जब पंचेंद्रिय बनते हैं, हे उपादेय का ज्ञान होता है, धर्म का ज्ञान होता है, सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, तो कर्म चेतना जागृत हो जाती। हम जो है ना कर्मों का फल भोग रहे हैं, हमने पिछले जन्म में बहुत कर्म किए हैं, अब इन कर्मों को काटना है, इन कर्मों को हटाना है, इन कर्मों को दूर करना है। यदि हम ऐसा ही करते रहे तो हमारे आने वाले भव फिर से कर्म फल चेतना में चले जाएंगे। ऐसा ज्ञान करते हैं, आत्मा पर श्रद्धान करते हैं, परमात्मा पर श्रद्धान करते हैं, और उनके भगवान की बताई हुई जिनवाणी पर श्रद्धान करते हैं, तो ये हो गई कर्म चेतना। ये क्या हो गई? कर्म चेतना। कर्म फल चेतना से कर्म चेतना में आ गए। और यदि धर्म नहीं करते हैं, स्वाध्याय नहीं करते हैं, संयम का पालन नहीं करते हैं, तप नहीं करते हैं, केवल उलझे रहते हैं संसार में, तो मनुष्य बनने के बाद भी कर्म फल चेतना ही चल रही है। अभी तुम कर्म चेतना में भी नहीं आए। यानी जो काम एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक के जीव कर रहे हैं वो ही तुम कर रहे हो। दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान। नहीं, वो कौन सा दोहा आता तुम लोग लास्ट में पढ़ते, जिनवाणी के लास्ट में, नरतरियंच समान, देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ। अरे ये भी नहीं है, एक और है जिसमें लास्ट में आता नरतरियंच समान, दया धर्म पाले बिना नरतरियंच समान, वो लाइन आती है ना। तो नर त्रियंज समान, यदि मनुष्य पर्याय में रहकर आप केवल कर्म फल चेतना में जी रहे हो, कर्म चेतना में नहीं आए हो, केवल कर्म फल चेतना चल रही है, तो नर त्रियंज समान, मनुष्य भी पशु के समान है। यदि तुम्हारी आत्मा जागृत नहीं हुई, यदि तुमने इस जन्म को लेकर कर्म चेतना में नहीं आए, तो अभी नर त्रियंज समान, पशु के समान ही हमारी कर्म फल चेतना चल रही। कर्म आता है, अपना फल देता है, नया बंध करता है, फिर अगला काम करते हैं, और ऐसे पूरा जीवन निकल जाता है। कर्म चेतना के लिए धर्म पुरुषार्थ जरूरी है। बिना धर्म पुरुषार्थ के कर्म चेतना जागृत होने वाली नहीं है। और यदि आपकी कर्म चेतना जागृत हो गई, आपका श्रद्धान मजबूत हो गया, आपको ज्ञान हो गया, तो फिर क्या होगा? ज्ञान चेतना जागृत होगी। कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना, है ना। सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान होगा, तो ज्ञान चेतना जागृत हो जाएगी। और सातवें गुण स्थान में जब जीव आत्मा के द्वारा आत्मा में लीन होता है तो ज्ञान चेतना प्रारंभ हो जाती है,
और 14वें गुण स्थान में इस ज्ञान चेतना की पूर्णता हो जाती है और आगे चले जाओ मोक्ष जाएंगे तो फिर तो वहाँ कर्म और कर्मफल दोनों चले गए, मात्र ज्ञान चेतना रह गई। तभी कौन सी चेतना चल रही है आपकी? अरे बोलिए ना, कर्मफल चेतना। अच्छा चलो, इतना तो पता चल गया कि कर्मफल चेतना में है। अब आगे बढ़ना है या उसी में पड़े रहना है? किस किस को आगे बढ़ना है जरा हाथ उठाकर तो बताओ, देख तो लूँ मैं भी, आपकी शक्ल देख लूँ कि आप कर्म चेतना में आना चाहते हैं फिर ज्ञान चेतना में आना चाहते हैं। ज्ञान चेतना में जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट तीन भेद कर दिए हैं। जब सम्यक दर्शन होता है तो जघन्य है, क्योंकि उसे आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो गया है, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है। और जब ध्यान में लीन होते हैं 7वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज, तो मध्यम ज्ञान चेतना। और जब 4 घातिया कर्मों का नाश होके पूर्ण रूप से आत्मा के ध्यान में लीन हो जाते हैं, बाहर निकलते ही नहीं है, तो उसे कहते हैं उत्कृष्ट ज्ञान चेतना। हम कम से कम मध्यम में नहीं जा पा रहे, दीक्षा नहीं ले पा रहे, कम से कम मुनिराज नहीं बन पा रहे, कम से कम तो अच्छे श्रावक ही बन जाए। और अच्छे श्रावक ही नहीं बन पाए तो फिर मतलब क्या रहा इस मनुष्य पर्याय का? जो काम तुम कर रहे हो वही काम पशु कर रहे हैं। पशु क्या करता है? एक चिड़िया क्या करती है सुबह से बताइए? मान लो सुबह हुई, एक चिड़िया जाग गई, वो तुमसे पहले उठ जाती है। क्या तुम तो 7 बजे उठते होगे, वो तुमसे पहले उठ जाती है। लेकिन करती क्या है? उठना महत्वपूर्ण है या करना महत्वपूर्ण है? तो वो तुमसे पहले उठ गई, अब क्या करेगी? ची ची ची, सारी एक पेड़ पे बैठ के ची 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 शुरू हो जाती है। फिर थोड़ा और दिन निकला, फिर एक वहाँ से उड़ के दूसरी जगह बैठी, फिर वहाँ से, यानी कि उनका काम क्या है? केवल उड़ना, फिर यहाँ बैठना, फिर वहाँ बैठना, फिर वहाँ बैठना, फिर वहाँ बैठना, फिर दाना चुगना, फिर यहाँ आ जाना, फिर दाना चुगना, यहाँ जाना। गुस्सा आया तो लड़ लिया, प्रेम आया तो प्रेम कर लिया। क्या करती एक चिड़िया? यही काम करती ना, है ना? लोग कहते माता जी हम क्या करें, हमें मरने की फुर्सत नहीं है धर्म करने के लिए। हम दुकान में इतने बिजी रहते हैं, सुबह से दुकान जाना पड़ता है, इतने काम है हमारे पास में, कैसे धर्म करें? हम तो अभिषेक भी नहीं कर पाते हैं, हम तो पूजा भी नहीं करते माता जी, हम तो मंदिर भी बड़ी मुश्किल से जाते हैं, इतना काम है, फुर्सत ही नहीं है। और सच्ची बात है, जिनको इस जन्म में धर्म करने की फुर्सत नहीं है तो ऐसा जन्म मिलेगा कि फुर्सत ही फुर्सत मिलेगी। क्या अब चिड़िया को क्या काम? कौन सी दुकान चलानी है? कौन सा उसे मकान बनाना? क्या करना है? अब खूब फुर्सत ही फुर्सत है मगर धर्म करने की योग्यता नहीं है। चींटी के पास में क्या है? फुर्सत ही फुर्सत है, भागती रहती पूरे दिन यहाँ से वहाँ। जैसे लोग भागते ना दुकान से मकान, मकान से दुकान, ऐसे तुम भी भागते रहते हो, धर्म करने की फुर्सत ही नहीं है। फिर ऐसी गति में चले जाते, वहाँ भागोगे तो सही मगर मंदिर नहीं मिलेगा, वहाँ ज्ञान नहीं मिलेगा, वहाँ प्रवचन नहीं मिलेंगे। कान ही नहीं है, प्रवचन काहे से सुनोगे? अभी कान मिला है तो दुनिया की बातें सुन रहे हो, दुनिया के झगड़े सुन रहे हो, दुनिया की लड़ाई सुन रहे हो। जब कान ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका बेटा आपसे 500 रुपये मांग रहा है और आपको पता है ये गलत जगह जाता है, नहीं दूंगा। पिता क्या कहता है? पैसे नहीं दूंगा, तू इससे गलत काम करेगा। कहते हो ना, एक बार दिए थे पिछले बार मैंने, तूने क्या क्या किया पता है ना तुझे, अब नहीं दूंगा मैं तुझे पैसे। यानी एक बार आपने पैसे दिए और बेटे ने गलत काम किया तो आप दोबारा पैसे नहीं दोगे। इसी तरह से कर्म ने आपको कान दिए थे, आंख दी थी, मनुष्य पर्याय दी थी, जैन कुल दिया था, क्या करने के लिए? अच्छा काम करने के लिए। तुमने नहीं किया, अब अगले जन्म में तुम्हें ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। हाँ जी पंडित जी, वो पिता है, ये कर्म है। तुम्हारे पिता तो फिर भी पिघल जाएं, लेकिन कर्म नहीं पिघलने वाला, कर्म जरा सा भी नहीं पिघलने वाला। कर्म तो अपना पूरा हिसाब पाई पाई चुकता करता है। तुम भूल जाओगे हिसाब, लेकिन कर्म नहीं भूलने वाला है। याद है ना आपको,
भीष्म पितामह को कितने बाण लगे थे? बहुत सारे, पूरे शरीर में, है ना। तो किसी ने उनसे आकर कहा कि भीष्म पितामह, आपने तो इस जन्म में ऐसा कोई काम किया नहीं है कि आपको इतने बाण लगे, फिर आपको इतने बाण क्यों लगे? तो पता लगाया, बोले पिछले जन्म में जाओ ऐसा काम किया, बोले नहीं, पिछले जन्म में जाओ इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। 100 जन्म पीछे गए, 100 जन्म पीछे गए, तो वहाँ पर पता चला कि एक बार ये जंगल से लौट रहे थे और रास्ते में एक जो नागिन पड़ी थी और वो नागिन मरणासन्न थी, अंतिम समय था, या जैसे भी थी, आपने बाण से उठाया उस नागिन को और यूं झाड़ी में फेंक दिया, तो उस झाड़ी में जितने कांटे उस नागिन को चुभे थे उतने बाण भीष्म पितामह को लगे थे। यह है कर्म का हिसाब, 100 जन्म ले लो मगर कर्म नहीं छोड़ने वाला है, कर्म तो अपना फल देकर ही रहेगा। इसीलिए किसी से डरो ना डरो, कर्मों से जरूर डरना। कर्मों की लीला है न्यारी, इनसे बच के ही रहियो, ये रुला रुला कर मारेंगे तुम देखते रहियो, ये रुला रुला कर मारेंगे तुम देखते रहियो। किसी से डरो ना डरो, कर्मों से जरूर डरना। और कर्म का मीटर बंद नहीं होता, 24 घंटे चलता है, 24 घंटे तुम कुछ भी कर रहे, सो रहे ना, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सो रहे हो तो कर्म का मीटर बंद हो गया? नहीं, कर्म का बंद हो रहा है। कौन से कर्म का हो रहा है? दर्शनावर्णी कर्म का बंद हो रहा है। शरीर सो रहा है, आत्मा नहीं सो रही है, इसीलिए दर्शनावर्णी कर्म का बंद होता है। और ये मत सोचो कि केवल दर्शनावर्णी कर्म बंद हो रहा है तो केवल दर्शनावर्णी का कर्म दर्शनावर्णी को जाएगा, नहीं। एक कर्म करते हो तो उसका बंटवारा 8 कर्मों में होता है, 7 कर्मों को उसको पूरा पूरा द्रव्य बंटता है, 8 को द्रव्य बंटता है, और ऐसा बंटवारा होता है स्थिति और अनुभाग, जो किया है उसमें ज़्यादा पड़ता है, लेकिन जो माल आया है वो सब में बराबर होता है। आप नहीं समझे होंगे, स्थिति और अनुभाग नहीं समझे होंगे। स्थिति का मतलब कर्म में कितने समय बाद वो उदय में आएगा, तो कितने समय वो सत्ता में पड़ा रहेगा, वो स्थिति, आयु, ठीक है। और अनुभाग यानी फल देने की शक्ति, इसे कहते हैं अनुभाग। अनुभाग का मतलब है कि जैसे बुखार है तो 1.99 भी होता है, 100 भी होता है, 103 भी होता है, 107 भी होता, और 8 हो जाए तो नमोसिद्धारम, है ना। तो ये है अनुभाग, फल कितना दे रहा है और कितनी गहराई से दे रहा है, ये कहलाता है अनुभाग। तो जो कर्म बंध आप कर रहे हो तो स्थिति अनुभाग उसमें ज़्यादा पड़ेगा, और बाकी कर्मों में जो है उसका बंटवारा, द्रव्य का बंटवारा हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, जितना जितना उनको जाना और वो चला जाएगा। और ये तुम्हारे हाथ में नहीं रखा कि कम करना है कि ज़्यादा करना है, ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है, कर्म व्यवस्था, इसमें किसी की नहीं चलती। और तो और छोड़ो, इसमें भगवान की भी नहीं चलती, इसमें तीर्थंकर की भी नहीं चलती। ध्यान रखना, इसमें चलेगी तो केवल तुम्हारी खुद की चलेगी। यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करते हो तो पुराना 70 कोड़ा कोड़ी सागर का जो द्रव्य पड़ा है वो केवल अंत है कोड़ा कोड़ी सागर में रह जाएगा। सम्यक दर्शन की महिमा अंत है कोड़ा कोड़ी में रह जाएगा। और सम्यक दर्शन नहीं है तो मिथ्यात्व, फिर वही अपना 70 कोड़ा कोड़ी सागर में चल रहा है। यानी जो बंद किया है वो कितने समय बाद उदय में आएगा? 70 कोड़ा कोड़ी, 10 करोड़ में 10 करोड़ का गुणा करो तो वो 1 कोड़ा कोड़ी होगा। ऐसे 70 कोड़ा कोड़ी समय बाद तक कर्म उदय में आ सकता है। और यदि कर्म को आप
इसी तरह झड़ाते रहेंगे भाई, जब 70 कोड़ा कोड़ी समय आएगा तब जाएगा, तो ऐसे हमारा काम चलने वाला नहीं। मोक्ष जाने के लिए पहले उसे भगाना जरूरी। तो कर्म बिना फल दिए क्या जा सकता है? अरे बोलिए ना, अरे जोर से बोलिए ना। और मैं यदि आपको ट्रिक बता दूं कि वो बिना फल दिए चला जाएगा तो क्या आप वो काम करेंगे? अरे बोलिए ना। अरे इतने दिन से यही तो बता रही, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, अंत कोड़ा कोड़ी सागर रह जाएगा, 70 कोड़ा कोड़ी बिना फल दिए चला जाएगा। तो ज्ञान, इसीलिए ज्ञान जरूरी है। क्या जरूरी है? ज्ञान जरूरी है। ज्ञान के बिना तो अंधेरा है जीवन में। आप पूजा करते ना, मोहांधकार विनाश नाए, जोर से बोलिए, मोहांधकार विनाश नाए। हाँ, किसका नाश करना है? मोह का। और मोह की प्रकृति है मिथ्यात्व, जो सबसे डेंजर है। मिथ्यात्व सही नहीं दिखाती, उल्टा दिखाती है, सच्चाई का दर्शन नहीं होने देती, जो सत्य है उसको जानने नहीं देती, जो असत्य है उसको मेरा कहती है। एक है कुछ टंगा हुआ है, एक रस्सी लटक रही है, लेकिन उजाला पूरा नहीं, हल्का सा उजाला है, तो क्या लगेगा? क्या लगेगा? सांप भी हो सकता भाई, दूर रहे सांप भी। और जब लाइट जलेगी तब, अरे ये तो रस्सी है, हम ऐसे ही डरे जा रहे थे, यही है ना, हैं? तो जो ज्ञान है वो उजाला है, वो प्रकाश है, वो क्लियर करता है क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो ज्ञान का प्रकाश जिसके पास नहीं है वो बस ऐसे ही भटकता रहता है, रस्सी में सांप और सांप में रस्सी, सांप में रस्सी और रस्सी में सांप नजर आता रहेगा। तो ज्ञान, जब सम्यक ज्ञान आता है तो फिर सब क्लियर हो जाता, क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है। और जब श्रद्धान हो जाता है, श्रद्धान हुआ, ज्ञान हुआ, फिर काम वो करते हैं जो मेरे लिए सही होता है। जब तक सच्चा ज्ञान नहीं होता है तब तक काम वो होता है जो सबके लिए सही होता है। और मिथ्यात्व तो कहता नहीं, मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत है, सब गलत है, कोई सही नहीं है इस दुनिया में, कोई सही नहीं, केवल मैं सत्य बोलता हूँ। कौन है भाई ये? मिथ्या दृष्टि जीव है, केवल मैं सत्य बोल रहा हूँ, कोई सत्य नहीं है। तो ज्ञान, जैसे एक व्यक्ति चौराहे में खड़ा है, अंधेरा है, और इतना अंधेरा कि उसे ये नहीं पता चल रहा कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं। अचानक बिजली कड़की, एक क्षण के लिए रोशनी हुई, कितनी देर के लिए? एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए रोशनी हुई, और उसने उसे ये दिख गया कि रास्ता कहाँ है, और बिजली तो गायब हो गई मगर रास्ता मिल गया। अब वो चलना शुरू कर देगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एक बार बिजली तो कड़के सच्चे ज्ञान की, एक बार तो पता चले सच्चा ज्ञान है क्या, कि मैं कहाँ भटक रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो सबके पास है। आपको राजा राणा छत्रपति आता है? अरे बोलिए ना, जरा बोल के सुनाओ ना। चलिए, आप बहुत ज्ञानी हैं। अच्छा, अब आपसे पूछूं कि यदि यहाँ पर एक सांप आ जाए तो कौन कौन बैठा रहेगा? अरे बोलिए ना, ये तो समय बताएगा, बैठे रह कहने वाले भी भागेंगे। क्यों भागेंगे? क्या बचाना चाहते हो? सांप क्या लेगा आपसे? आपकी जान लेगा, आपको काटेगा। भाई सांप है, एक कोई तो काटेगा, उसमें कहीं मेरा नंबर ना आ जाए। अच्छा चलो, सांप काटेगा तो किसको मारेगा?
कौन मरेगा? सांप यदि काटता है, डसता है, सांप काटता नहीं डसता है, सांप ने यदि डस लिया उसका जहर फैलेगा तो कहाँ फैलेगा? शरीर में। मरेगा तो कौन मरेगा? ये श्रद्धान है आपको? नहीं है, नहीं है। वह यही तो कह रही हूँ, सम्यक दृष्टि जीव मरण भय से मुक्त होता है। सम्यक दृष्टि जीव सप्त भयों से मुक्त होता है। अरे ऐसा ना हो जाए, अरे ऐसा ना हो जाए, अरे ऐसा ना हो जाए। सम्यक दृष्टि जीव सात प्रकार के भयों से मुक्त होता है। अरे यहाँ तो अभी चलो सांप तो छोड़ो, एक छिपकली आ जाए। तो भी उठ के भाग जाएगा, तो भी डर डर जाएगा, अंदर में भय हो जाएगा। एक होता है कि अंदर में भय नहीं होना, चल बहन तू भी निकल जा फिर मैं बैठ जाऊंगा, तुझे परेशानी ना हो। एक तो ये स्थिति है, और एक स्थिति डर के एकदम भागना। कमरे में छिपकली भी होती है तो नींद नहीं आती है। इस सप्त भयों से युक्त हैं हम, और ये सात भयों से हम बचाना चाहते हैं। किसको? शरीर को बचाना चाहते हैं। जिस समय पर कुलभूषण देशभूषण के ऊपर उपसर्ग होता था, तो जब राम सीता और लक्ष्मण वहाँ पहुँचे तो गांव के सब लोग भाग रहे थे, दूसरे गांव जा रहे थे। लोगों ने कहा चलो चलो तुम भी चलो। बोले कहाँ? बोले इस पहाड़ से रात को भयंकर भयंकर आवाज़ें आती हैं, चलो यहाँ से। तो राम लक्ष्मण बोले नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम देखेंगे आवाज़ कहाँ से आती है। सीता ने कहा नहीं नहीं चलो। राम ने कहा सीता तुम इनके साथ चली जाओ, सुबह आ जाना। सीता बोली नहीं, जब आप नहीं जा रहे तो मैं जाके क्या करूँगी। फिर राम लक्ष्मण ऊपर गए, वहाँ देखा तो कुलभूषण और देशभूषण मुनिराज तपस्या कर रहे थे। रात का समय हुआ, और जैसे ही रात का समय हुआ तो वैसे भयंकर आवाज़ें आनी शुरू हो गईं। एक व्यंतर था जो उन पर उपसर्ग कर रहा था, तो उन्होंने अपने बाण चलाए और टंकार करी उस बाण की। ये तो नारायण और बलभद्र थे, महापुरुष थे। वो व्यंतर भाग गया, उपसर्ग दूर हो गया, कुलभूषण देशभूषण को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और वहाँ पर सारा वातावरण अच्छा हो गया। तो भय, राम और लक्ष्मण भयभीत नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि बलभद्र छाईक सम्यक दृष्टि जीव थे। क्या? कौन थे? छाईक सम्यक दृष्टि जीव थे। किसको मारेगा? शरीर को मार नहीं सकता क्योंकि वो पुद्गल है, और आत्मा को मार नहीं सकता क्योंकि वो अजर अमर अविनाशी है। ऐसा दृढ़ श्रद्धान जिसमें आ जाता है, और अकेले ऐसे नहीं कि ये वाला दृढ़ श्रद्धान आ गया तो सम्यक दर्शन हो गया। ऐसा श्रद्धान तो डाकू को भी होता, मर जाऊंगा क्या होगा, मारेगा और क्या करेगा। ऐसे तो निडर, इतना निडर तो डाकू भी होता है। ज़्यादा निडरता आ जाए ना तो डाकू बन जाता है आदमी। हाँ हाँ, ये ज्योतिष में ये जो हाथ की रेखाएँ हैं इनमें गुरु पर्वत होता है, तो गुरु पर्वत जिसका उठा हुआ होता वो हिम्मत वाला होता है, थोड़ा सा निर्णय लेने की क्षमता होती है, ठीक है ना। और यदि गुरु पर्वत ज़्यादा उठ जाए, यदि अच्छा हो शुभ हो तो वो नेता बन जाता है, और यदि ज़्यादा उठ जाए और अशुभ हो तो वो डाकू बन जाता है। हाँ, डाकू कौन? जिसको, जिसके अंदर डर है क्या वो डाकू बन सकता है? डाकू कौन बनता है? जो निडर होता है। लेकिन इतनी निडरता ना आ जाए कि वो डाकू बन जाए, और इतनी निडरता ना आ जाए, हम किसी से नहीं डरते हैं, हम इनके बाप से नहीं डरते हैं, कभी कभी कहते हैं ना, इससे तो क्या हम इनके, अरे जोर से बोलिए ना, बाप से नहीं डरते। और बाप से तो छोड़ो, उनके भी। हाँ, ज़्यादा निडर आदमी लड़ने में बहुत होशियार हो जाता है। ज़्यादा निडर आदमी लड़ने से नहीं डरता है। और जो आतंकवादी होते हैं वो कौन होते हैं? यदि वो मरने से डरें तो क्या वो आतंकवादी बन सकते हैं? तो क्या उनको सम्यक दर्शन हो गया? नहीं हुआ।
आत्मा के प्रति श्रद्धान करके फिर उस रास्ते पर चलना और फिर वहां पर कार्य करना, धर्म करना, वो कहलाता है सम्यक दर्शन। अकेले निडर होने से सम्यक दर्शन नहीं हो जाता, कोई भी हो सकता है निडर। तो बंधुओं, ज्ञान जीवन में जरूरी है या नहीं है? अरे बोलिए ना, कौन सा वाला ज्ञान जरूरी है? पैसा कमाने वाला ज्ञान कि परिवार चलाने वाला ज्ञान कि अपने आप को बड़ा बनाने वाला ज्ञान कि दूसरों को नीचा दिखाने वाला ज्ञान, कौन सा ज्ञान जरूरी है? अरे बोलिए ना कि मोबाइल चलाने वाला ज्ञान कि मैसेज भेजने वाला ज्ञान, कौन सा वाला ज्ञान जरूरी है? मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि भले ज्ञान कम हो मगर हो सही। हाँ जी सौरभ जी, ज्ञान कम हो मगर सही रास्ते पे चलने वाला हो। ज़्यादा ज्ञान किसी काम का नहीं कि वो संसार में भटका दे। ऐसी बुद्धि नहीं चाहिए जो संसार में भटका दे। प्रभु भले थोड़ा ज्ञान मिले मगर मिले सही ज्ञान, सच्चा ज्ञान, और जिससे मैं सही रास्ते पर चल सकूं। अरे बोलिए ना, तो आप लोगों के पास में कौन सा वाला ज्ञान है? अरे बोलिए ना, ज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए। यदि ज्ञान का ज्ञान नहीं है तो अभी दिक्कत कि सही है कि गलत है। इसलिए ज्ञान का ज्ञान होना भी जरूरी है कि मैं जो कर रहा हूँ, जो कार्य मैं कर रहा हूँ, ये सही है या गलत है। ये जो मैं काम कर रहा हूँ, इसका परिणाम कितने लोगों को भुगतना पड़ रहा है, इसका प्रभाव किस किस के ऊपर पड़ रहा है, हैं? एक साधु एक बात बोलता है तो वो बात कितनी यात्रा करता है उसका अंदाज नहीं लगाया जा सकता कि वो बात कहाँ से कहाँ पहुँचती है। एक चार जने बैठे कमरे में, वो वहाँ पहुँचे, उसने फ़ोन कर, माता जी ऐसा कह रही हैं, फिर उसने अगले को फ़ोन कर दिया, फिर अगले ने मैसेज भेज दिया, फिर अगले ने पूरे देश में कर दिया। एक साधु के मुख से निकली एक बात, और अकेले मेरी नहीं, इसमें आपका काम भी है कि आप जो बोलते हैं उसका कौन सा नेगेटिव या पॉजिटिव, कौन सा प्रभाव कितनों तक पहुंचता है आपको भी नहीं पता रहता है कि आपने कहां कहां तक बात पहुंचा दी और उसका प्रभाव कहां कहां तक और कितने दिलों पर हुआ और किसको कम हुआ, किसको ज्यादा हुआ। इसलिए अपनी क्रिया ऐसी हो कि सामने वाले को कष्ट ना हो, ऐसा ज्ञान हो कि सामने वाले को कष्ट ना हो। जो ऐसा जीवन जीता है, समझना वो फूल की तरह जीवन जीता है, और हमसे यदि किसी को कष्ट मिल रहा है तो समझना पत्थर वाला जीवन जी रहे हो कि जिससे चोट ही लग रही है, किसी को खुशी नहीं मिल रही है। अरे ये जीवन खत्म तो हमने बहुत कर दिए, अनंत काल से जी रहे हैं, भटकते भटकते यहां तक पहुंच गए और अभी भी नहीं सुधरे। अरे बोलिए ना, नहीं नहीं मैं आपकी बात थोड़ी कर रही, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, ये तो किसी और की बात है, हैं? तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, नहीं आई, थोड़ी बहुत तो आई होगी। अच्छा, इसका पालन कितना होगा? अच्छा एक नियम ले लो कि ऐसा मैसेज नहीं भेजेंगे कि जिसमें किसी को कष्ट हो। बोलो, एक छोटा सा ये नियम ले लो, सबको अच्छा लगे बस वो ही मैसेज भेजेंगे व्हाट्सएप पर और भी फेसबुक में। ऐसा नियम ले सकते हो, कोई ऐसी पोस्ट आपके उसमें आती है कहीं बाहर से कि जिसका प्रभाव गलत हो सकता है तो आप उसको मत भेजना, तो आप उपगुहन और स्थितिकरण अंग का पालन करेंगे सम्यक दर्शन के। तो ये नियम ले सकते हो आप, कौन कौन ले सकता, हाथ उठाओ। आपने दोनों हाथ उठा, जोड़े या उठाए, अच्छे से उठाओ। अच्छा, एक तो भेजना नहीं है, दूसरा भिजवाने की कहना भी नहीं है और इशारा भी नहीं करना, अब हाथ उठाओ।
बहुत बढ़िया, आज मुझे अच्छा लगा कि झांसी की जैन समाज बहुत अच्छी जैन समाज है, और कोई भेजता है तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करनी कि चल मैं तो नहीं भेज पाया, तूने सही भेज दिया, मुझे तो माता जी ने नियम दे दिया था, तूने सही भेज दिया। ये भी अनुमोदना भी, कृत कारित और अनुमोदना, तीनों से त्याग करना है। कर दिया, तीनों से कौन कौन त्याग कर सकता है? अभी एक भाई साहब कह रहे थे, हाँ उठाइए हाथ। हाँ, एक बहन जी कह रही थी, बोले समाज का जो व्हाट्सएप मैसेज आ गया वो खोलने में डर लगता है, पता नहीं कौन सा नेगेटिव मैसेज आ जाए, पूरे दिन दिमाग घूमता है, पूरे दिन टेंशन रहती है, पूरे दिन दिमाग खराब रहता है। जो दूसरों का दिमाग खराब करेगा उसका दिमाग खराब ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरों को टेंशन देगा उसको टेंशन ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। तो दूसरों का दिमाग अच्छा हो, दूसरों का मन अच्छा हो, आनंद मिले, खुशी मिले, ऐसा मैसेज तो भेज देना, मगर ऐसा मत भेजना कि जिससे दूसरों को कष्ट हो। ठीक है, चलिए। कि तन मन और धन से इस मंदिर के निर्माण में हम सभी की सहभागिता रहेगी। ठीक है, उठाइए हाथ। हाँ, देख लेती हूँ मैं, बहुत बढ़िया। चलिए, खेत में धान का, शादी में पान का, और आज हो रहे पदम प्रभु विधान का, नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, और होने में अच्छे अच्छे भाव का। अब शब्द बोलिए, मैं महत्व बता दूंगी। हैं, शिलान्यास का? अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। मैदान में घास का, राजा में दास का, और कब होने वाले शिलान्यास का। चलने में पात का, मित्रों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का। और अच्छे भाव बता तो दिया, तुम कहाँ थे? मोबाइल हाथ में है क्या तुम्हारे? हाँ, बस समझ जाओ अब तुम। और किसी के पास शब्द है स्वाध्याय का? शास्त्र में अध्याय का, पंच परमेष्ठी में उपाध्याय का, और करने में स्वाध्याय का। सिंहासन, अच्छा। लगाने में पद्मासन का, ध्यान में पद्मासन का, सरकार में शासन का, और भगवान के लिए सिंहासन का। निर्माण, निर्माल्य, अच्छा। रावण के दादा माल्य का, और घर में बच्चों के बाल काल्य का, और नहीं खाने में निर्माल्य का। और बोलिए, दान, अच्छा। नहीं होने में परेशान का, नहीं करने में परेशान का, देवों के विमान का, और देने में दान का। वाणी, मंदिर में जिनवाणी का, महिलाओं में साड़ी का, और बोलने में मीठी वाणी का। बोलिए चौबीसों भगवान की जय। चलाने में, चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का, गंगा जी के पास नाथ का, बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, कर्मों में भगवान का अभिषेक करने का, बड़ा ही महत्व है। पक्षियों में काक का, महलों में बाघ का, जैन धर्म में त्याग का, बड़ा ही महत्व है। पहले भी शुरुआत में आ चुका हूँ, और पिछली बार मैं आया था तो निर्माण कार्य चल रहा था, तो उस समय इच्छा हुई थी पूरा तैयार होगा तो आऊँगा। ये पूरा तैयार होने के बाद मैं पहली बार आया हूँ, बहुत ही आनंदित, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में पूरे हम लोग परिवार के साथ साथ है, बहुत 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 खुशी हो रही है। बंदामी माता जी, बंदामी माता जी, बंदामी माता जी।
मेरा यहाँ पे पहली बार आना हुआ है और जो उपलक्ष्य से आना हुआ है वो आज सिद्ध हो गया। मतलब जब से मेरी इतनी चाह थी, मंदिर बना, भगवान जी भूगर्भ से विराजमान हुए कि मुझे दर्शन करने दर्शन करने, वो आज मेरी इच्छा बहुत इतने अच्छे से पूरी हुई है कि मैं अपने शब्दों में ब्याह भी नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ का जितना अतिशय सुना था उससे ज़्यादा मैंने देखा है और बहुत अच्छा लगा यहाँ के, बहुत अच्छा लगा। मेरी आज इच्छा पूरी हुई, उसके लिए मैं भगवान मुझे बार बार आप अपने दर पर बुलाते रहिए, बस यही मनोकामना है कि आपके दर्शन मुझे बार बार मिलते रहे, बार बार मिलते रहे। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भाव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्योछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।